हेलो एवरीवन, आज जो आर्ट का हमारा टॉपिक है वो है बोटल पेंटिंग। और बोटल पेंटिंग में आज हम इस तरह का एक डिज़ाइन रेडी करेंगे और जानेंगे कि जो बोटल पेंटिंग है वो कैसे करते हैं। और इसके अलावा जो मटेरियल चाहिए हमें वो है बोटल, कोई वेस्ट होनी चाहिए वो। और उसके अलावा आपको चाहिए फैब्रिक कलर, ब्रश और कलर मिक्स करने के लिए एक कलर ट्रे चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला काम है हमारा कोई सा बोटल फाइंड करना और उसके ऊपर जो भी मटेरियल लगा है उसे अच्छी तरह से साफ करके पेंटिंग के लिए रेडी करना। और इसकी जगह पर आप कोई भी बोतल ले सकते हो, जिस शेप में मर्जी हो, बस ये है कि वेस्ट होनी चाहिए। बोतल पेंटिंग के लिए जो मैं कलर यूज़ करने वाला हूँ वो है फैब्रिक कलर। और मैं सबसे पहले रेड कलर लूँगा और उसे जो है कलर ट्रे में डाल के वाइट कलर मिक्स करके एक कलर रेडी करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो कलर है वो लाइट हो और उस पे जो डिज़ाइन या फिर जो भी हम बनाना चाहते हैं वो उभर के जो है सामने आए। अब मैं ब्रश के साथ कलर करना बोतल पे शुरू करूँगा। यहाँ आपने बोतल पेंटिंग करनी है, आपने एक चीज़ का ध्यान रख लेना है कि नीचे कुछ पुराना कपड़ा या फिर कोई पुरानी अखबार आपने रख लेनी है, ताकि जब आप कलर कर रहे हो तो किसी चीज़ पे कलर ना लगे। बोतल के ऊपर वाले हिस्से में मैंने कलर कर लिया है, तो अभी भी देख सकते हैं मैंने प्रॉपर तो किया है पर अभी भी जो कलर है वो रह गया है। तो उसे सही करने के लिए आप इसे सूखने के लिए साइड पर रख दो, देन फिर आप इस पर कलर करना। और पहले आप ऊपर वाले हिस्से पे कलर करना, देन नीचे वाले पे। ऊपर वाला हिस्सा अब सूख चुका है, अब मैं नीचे वाले हिस्से पे कलर करना शुरू करूँगा। तो उसके बाद हम इसे भी सूखने के लिए साइड पर रख देंगे। बोतल के नीचे वाले हिस्से में भी मैंने कलर कर लिया है, अब इसे धूप में 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। बोतल पे हमारे जो कलर है सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बोतल में कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कलर है वो प्रॉपर नहीं लगा। तो उसके बाद हम स्पंज के साथ इसके ऊपर कलर लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रश के साथ उसे स्मूथ कर देंगे। कलरिंग वाला जो काम है वो तो ख़त्म हो चुका है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और इफ़ेक्ट डालने के लिए मैं येलो कलर इसके ऊपर की तरफ लगा दूँ, ताकि जो कलर है वो और अच्छा लगने लगे। तो इसमें दो इफेक्ट आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। बोतल पे जो कलर हैं सूख चुके हैं और इसके बाद इसकी जो लुक अच्छी लगने लगी है। अब कलरफुल हम फ्लावर बनाएंगे इस पे। फ्लावर बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक कलर्स यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ब्रश के साथ इस पे फ्लावर बना देंगे। मैं तो आपको फ्लावर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप कोई और भी डिज़ाइन इसमें बनाना चाहते हो अपनी मनपसंद का तो वो भी आप बना सकते हो। कलर करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो फ्लावर है हमारा। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ और भी फ्लावर्स बना लेते हैं। बोतल पेंटिंग करते वक्त आपने एक पतला ब्रश यूज़ करना है और इसकी जो बोतल पे फिनिशिंग होगी वो अच्छी होगी।
मेरा जो बोटल पेंटिंग वाला काम है वो फिनिश हो चुका है, और मैंने जो है इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, और आई होप आप समझ गए होंगे कि जो बोटल पेंटिंग है वो कैसे करनी है। अगर आपको ये फ्लावर्स वाला डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप ये बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको कोई और डिज़ाइन कोई पसंद है तो आप वो भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो जब ये आपसे काम बन जाए तो आप मुझे टीम्स ऐप पे इसकी जो फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।